आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी F23 5G का और देखने वाले हैं कुछ फीचर्स, कैमरा कैसा है, बैटरी कितना है, सब चीजें देखने वाले हैं। सैमसंग गैलेक्सी F23 ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ कुछ आया हुआ है, ये सब खुला खुला मिल जाता है। और इसमें जो है हम लोगों का मोबाइल इस तरह से, ये जो खुला हुआ है, एक बार खुल चुका है ये, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी आया हुआ है तो हम लोगों का खुल के चेक करके तब हम लोगों को दिया गया है। मेन हम लोग का जो है मोबाइल मिल जाता है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। एक तो मोबाइल मिल जाता है, दूसरा इसके साथ सिम इजेक्टर पिन मिल जाता है, और तीसरा जो है हम लोगों को मिल जाता है ये टाइप सी टू टाइप सी केबल, और यूजर मैनुअल मिल जाता है जो कि एकदम से बेकार ही कहना पड़ेगा, कभी कभार काम आता है जब नया कुछ चीज़ हो तो काम आ जाता है, यूजर मैनुअल बहुत काम आता है। तो मोबाइल कुछ इस तरह से मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोथिंग के अंदर। तो हम लोग इसको क्लोथिंग से बाहर निकालते हैं, पहले इसको रखते हैं साइड में, और ये जो मोबाइल है कुछ इस तरह से आ जाता है। आपको पता नहीं कलर किस तरह दिख रहा होगा, फॉरेस्ट ग्रीन कलर में ये मंगवाया हमने। और कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं, और इधर जो है आपको इतना दूर से पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, वॉल्यूम बटन यहाँ पे मिल जाता है, पावर बटन यहाँ पे जिसमें फिंगरप्रिंट भी है पावर बटन के साथ साइड माउंटेड, और नीचे देख 3.5 mm जैक मिल जाता है, टाइप सी चार्जिंग और स्पीकर, एक ही स्पीकर है इसमें, और जो है माइक्रोफोन दो मिल जाता है, एक ऊपर एक नीचे नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, पीछे का ये देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे फ्रंट अपर डाउन साइड अनदर साइड, पीछे मैट फिनिश है, आगे गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। तो इस तरह से कुछ मिल जाता है। आप बात करें अगर इसका फीचर्स का, तो मोबाइल में फीचर्स क्या क्या मिल जाता है, अब हम लोग देखेंगे स्लाइड के मदद से मोबाइल का ओवरव्यू और फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम लोगों का मोबाइल कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मोबाइल का फ्रंट साइड है कुछ इस तरह से दिखता है, चिन में ही थोड़ा सा ज्यादा बेजल है, बाद बाकी तीनों साइड में ठीक ठाक है। सेल्फी कैमरा जो है 8 MP का, और इससे आगे बढ़ते हैं अगर बैक साइड में देख लें तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है, और एक फ्लैश लाइट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन सा कैमरा है। यहाँ पे जो सबसे पहला वाला कैमरा है वो 8 MP का है, फिर दूसरा कैमरा का अगर बात करें तो वह है मेन कैमरा जो कि 50 MP, और ये जो है 2 MP का एक डेप्थ कैमरा। तो उसके बाद फ्लैश लाइट यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट साइड अगर बात करें मोबाइल का, तो राइट साइड में अगर पहले बात करें बटन्स का, तो वॉल्यूम बटन जो है सबसे ऊपर में दिया हुआ है, दोनों वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन। उसके बाद जो है हम लोगों का पावर बटन दिया हुआ है जिसमें फिंगरप्रिंट भी है, यानी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। अब हम लोग देखें अगर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में पूरा प्लेन है, सिर्फ ये जो सिम ट्रे है वो लेफ्ट साइड में है। अगर बात करें नीचे साइड में, तो सबसे पहले तो 3.5 mm जैक दिया हुआ है, फिर माइक्रोफोन दिया हुआ है, उसके बाद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। अगर बात करें स्पीकर का, तो यहाँ पे नीचे ही एक स्पीकर दिया हुआ है, सिंगल स्पीकर। बात करें ऊपर का, तो सिर्फ सेकेंडरी माइक दिया हुआ है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस में, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं स्लाइड की मदद से। तो हम लोग बात करें अगर मोबाइल का सबसे पहला फीचर देखें तो आउट ऑफ द बॉक्स ही एंड्रॉइड 12 मिल जाता है, 1 UI 4.1 मिल जाता है। उसके बाद बैटरी का बात करें तो बैटरी जो है 5000 mAh मिल जाता है। बात करें कैमरा का, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप से मिल जाता है 50 8 2 MP का। उसके बाद सेल्फी कैमरा 8 MP का। प्रोसेसर मिल जाता है हम लोग को स्नैपड्रैगन 750G 5G ऑक्टा कोर जो के है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, 3.5 mm जैक मिल जाता है। उसके बाद स्क्रीन साइज जो है हम लोग का 6.6 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाता है। चार्जिंग जो है इसका 25 W फर्स्ट चार्जिंग है, और चार्जिंग पोर्ट जो है USB टाइप सी है, 2.0 है, 3.0 नहीं है। डिस्प्ले TFT LCD डिस्प्ले है, फुल HD प्लस है, और रिफ्रेश रेट जो है 120 का है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट की वजह से मोबाइल का जो एक्सपीरियंस हो जाता है बहुत स्मूथ हो जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्रंट में, बैक में मिल जाता है मैट फिनिश। बात करें अगर सिम ट्रे का, तो सिम ट्रे में आप 2 SIM और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं एक साथ, डेडिकेटेड SD कार्ड भी लगा सकते हैं 2 SIM के साथ, दोनों सिम जो है नैनो सिम है। अब वेट जो है मोबाइल का 198 ग्राम है, और थिकनेस जो है मोबाइल का 8.4 mm है। बात करें अगर 5G बैंड्स का, तो ये 12 बैंड्स मिल जाता है,
ब्लूटूथ वर्जन जो है 5.0 का मिल जाता है, NFC मिल जाता है, वॉइस फोकस मिल जाता है। वॉइस फोकस का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग वीडियो कॉल करते हैं या फिर वॉइस कॉल करते हैं, ये एक्टिवेट होने के बाद साफ सुनाई पड़ेगा और तेज भी सुनाई पड़ेगा। और ऑटो डेटा स्विच है, मतलब अगर दो सिम आप चलाते हैं, नेटवर्क खत्म हो जाए तो दूसरे सिम से डेटा जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और इसमें जो है एक्सपेंडेबल मेमोरी का अगर बात करें तो अप टू 1 TB आप इंक्रीज कर सकते हैं SD कार्ड लगा करके। देखते हैं कि इसमें मेरे ख्याल से क्या क्या होना चाहिए था और भी जो नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर पहला चीज़ देखें जो होना चाहिए था और इस मोबाइल में नहीं है तो वो है एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड डिस्प्ले रहने से जो व्यूइंग एक्सपीरियंस हो जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बात करें अगर दूसरा चीज़ का तो वो है कैमरा में OIS का, जो कि इस मोबाइल में नहीं है, वो होने से अच्छा होता। तीसरा चीज़ क्या है, स्टीरियो सपोर्ट जो है नहीं है, ये रहने से जो है अच्छा रहता है। फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस नहीं है, ये भी एक माइनस पॉइंट है। और अगर बात करें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होता है मगर 30 FPS में, 60 FPS में 4K रिकॉर्डिंग नहीं होता है। चार्जिंग एडेप्टर मोबाइल के साथ नहीं आता है क्योंकि ये जो है मिड रेंज फ़ोन है, फिर भी इसके साथ चार्जिंग एडेप्टर नहीं है, तो ये भी कंसिडर करने वाला चीज़ है कि इसको अलग से ख़रीदने जाएंगे तो फिर मोबाइल का कहीं ना कहीं दाम जो है बढ़ जाता है। बात करें अगर बैक कवर और प्रोटेक्टर का तो ये भी मोबाइल के साथ दिया जा सकता था। बात अगर करें इसका अपडेट्स का तो अपडेट्स जो है सैमसंग जो प्रोमिस किया है 2 साल का मेजर अपडेट यानी कि 12 अभी है, 13 और 14 मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है। और फिर 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी इसके साथ मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा है सिक्योरिटी के मामले में हम लोग का 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट। मेरा ओपिनियन तो बस यही है कि अगर आपको अपग्रेड करना है या फिर आपको मोबाइल लेना है तो आप अगर इसको मिल जाते हैं सही प्राइस में अंडर 13,000 या 14,000 तो बहुत ही सही मोबाइल है, जो कि ऑफर में मिल भी जाता है। तो अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया है। स्नैपड्रैगन 750 है, मतलब 7 सीरीज़ का प्रोसेसर है 5G का, तो बहुत प्रोसेसर भी ठीक ठाक मिल जाता है। अगर लास्टली बात करें इसका तो 5G बैंड जो है, 5G का 12 बैंड दिया हुआ है, यानी कि 5G प्रूफ है मोबाइल। ऐसा नहीं कि एक दो बैंड दे दिया फिर 5G के नाम से बिकने लगा। सैमसंग है, एक तो भरोसा है कंपनी का जो है। आज का वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।